चलिए शुरू करते हैं। yes, तो संतान तक हमने देख लिया, अब हम आते हैं, देखिए व्यक्ति की शिक्षा हो गई, उसका प्रोफेशन हुआ, संतान हो गई, अब आदमी अपने मकान की चिंता करता है कि अपने परिवार को एक मकान दे सके, संपत्ति बना सके, स्थायी निवास के तौर पर। तो सर एक एक शादी का था, देखिए क्या मैं आपसे उस समय पूछने वाली थी। जी, जी अभी ले लेते हैं। इसकी काफी एज हो गई है। ओ आशीष नाम, डेट है सर 4 मार्च 1983। फोर मार्च जी, 4 मार्च 1983। ओके, टाइम है सर 1:13 रात का। 1:13 ओके, प्लेस फरीदाबाद। फरीदाबाद फरीदाबाद चलिए ये चार्ट आया है, तो एक नजर यहाँ पर डाले हम। ये सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है ना, मंगल के साथ है पंचम भाव, पंचम ये प्रेम विवाह को सूचित करता है ना, ये हुआ। फिर देरी का कारण पुनर्फु दोष, क्योंकि चंद्र शनि साथ में है, एक ये हुआ। अच्छा अब हम आ जाएं केपी पे, सातवें भाव का उपस्वामी है बुध। बुध को देखें कि क्या वो अपने सूचकत्व के जरिए 2, 7, 11 में से किसी का सिग्निफिकेटर बनता है। तो बुध प्रथम दर्जे का 4 का है और 3 का है, 1 का है, 6 का है और 8 का है और 10 का है। 2, 7, 11 में से किसी का भी सूचक नहीं बना। ना ही विवाह के सहायक भाव 5 और 8 दोनों से जुड़ जाता तो भी हो जाता, ये भी नहीं आ रहा है। तो एक कारण तो ये दिखाई दिया। फिर हाँ खास तो यही दिक्कत है, और दशा भी चल रही देखिए बुध की, तो बुध तो सूचक हाँ। ही नहीं है, विवाह होना ही मुश्किल है बुध की दशा में, तो सूचक ही नहीं। फिर भी चलिए अब 2, 7, 11 का हम निकालें प्रैक्टिस, तो 2 का नोट करते हैं हम। 2 का है गुरु मात्र 1, 7 में है सूर्य चंद्र, शनि राहु शुक्र, चंद्र शनि राहु शुक्र, और 11 में आ गया मंगल गुरु, मंगल तो मंगल ले लेते हैं, चंद्र शनि हमने ले लिए, सारे ग्रह आ गए सर राहु केतु छोड़। अब इसमें से छठे का केतु है, तो केतु तो है नहीं हमारा, हटा देते हैं। 4 का चंद्रमा है, 4 का चंद्रमा है, चलिए चंद्र को हटा देते हैं। 10 का है राहु, राहु और हाँ राहु को भी हटा देते, चलिए राहु भी हटा दिया। तो अब बच गया गुरु सूर्य शनि मंगल है ना। अब इसमें दशा स्वामी बुध तो है ही नहीं, सूचक के रूप में ही नहीं आया है। लेकिन अब करंट आरपी में देखे तो यहाँ बुध है और आज दिन का स्वामी भी बुध है, तो बुध को ले लें। तो बुध में बुध की अंतरा है, हटा दें तो आगे बढ़े तो केतु आ जाएगा, केतु हमारा सूचक ही नहीं है। फिर आगे बढ़े तो शुक्र आ जाएगा, शुक्र हमारा सूचक है ना, तो बुध में शुक्र आ गया। ओके 2024 में सर, 2024 में शुक्र 7 भाव का सूचक भी है। ओके
अब अंतरा के लिए अगर हम यहाँ देखें आरपी से, तो पहला प्रथम दर्जे का चंद्रमा है, चंद्र को हमने काट दिया। फिर शनि है, शनि है, शनि इसमें लिस्ट में देखें तो आएगा 2026 में। बहुत लंबा पीरियड है बेटा, तो इनका विवाह होना मुश्किल है, और हुआ तो देरी से होगा, ये बात तो पक्की हो गई है ना, तो मुश्किल ही है। अब इनको हम उपाय क्या बताएं, तो देखिए इसमें चले हम, सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन से हैं, सात किसके पास है, हम देख रहे हैं कि सात अकेला तो केवल राहु के पास है, लेकिन वो 1, 4, 6, 10 का भी है। अब देखिए ना, बुध की दशा में बुध 10 का है, फिर नक्षत्र मंगल 1, 4, 6 आ गया, फिर 10 आ गया, कहीं पर भी इनके लिए जो है ना अनुकूल स्थिति नहीं दिख रही। अब ऐसे में हम पर ऐसा करें कि ये जो सप्तम भाव का शुक्र है, शुक्र इसको हमें यहाँ सप्तम भाव में उसका प्रभाव बढ़ाना है, तो सप्तम भाव प्रभाव बढ़ाने के लिए शुक्र संबंधित वस्तुएं या फल वगैरह जो होते हैं, शुक्र के फलों में जो भी आते हों, वो फल सफेद रंग की गाय को खिलाए। अच्छा सर, मतलब सफेद रंग की गाय को क्यों? हाँ देखिए क्या होता है, गाय के पेट में जाएगा है ना, उसका पाताल है, फिर गाय गोबर करके निकालेगी तो वो उजाले में आएगा, तो ये शुक्र एक्टिव होता है। दूसरा, शुक्र संबंधित वस्तुओं को जमीन में गाड़ना है, जैसे सफेद कपड़ा है ना, सिल्वर कलर का चमकदार कपड़ा, क्योंकि सिंपल सफेद तो चंद्रमा का होता है और चमकीला जो है शुक्र का होता है, और साथ में है ना, हाँ ये शुक्र ले लिया, चमकीली वस्तुएं वगैरह जो है वो इनको जमीन में गाड़ना है, तो ये शुक्र यहाँ पर एक्टिव हो सकता है, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है इनका विवाह होने। साथ दिख ही नहीं रहा, साथ है तो 6 भी उसके पहले है। हाँ ये नक्षत्र नाड़ी टेबल से भी एक शुक्रमय साथ दिख रहा है वैसे। हाँ तो शुक्र को एक्टिव करना है इनको, ये कर ले तो अच्छा है। अच्छा मतलब इसके दान नहीं करने हैं सर, है ना? इसका दान नहीं, जमीन में गाड़ना है इसको। अच्छा हाँ, क्योंकि हमें सप्तम भाव को एक्टिव करना है। ठीक है, ओके। जमीन में गाड़ने से क्या होगा सर? मैंने बताया ना उसका प्रभाव जमीन, ये सातवां भाव जो है ना, एक्चुअली जो लाल किताब के उपाय आते हैं उसमें सातवां भाव पाताल का होता है। अच्छा। और वो सप्तम भाव का भी होता है, तो अगर किसी भाव को एक्टिव करना है तो उस भाव संबंधी वस्तुओं को वहां पहुंचाना होता है, तो इसके उपाय में ये लिखा हुआ है। दूसरा, अपन मंत्र वगैरह की जाप की बात करें तो अपने स्वयं के लिए शुक्र के मंत्रों का जाप करवाए, क्योंकि स्वयं ने दीक्षा नहीं ली इसलिए स्वयं नहीं कर सकते, जैसे डॉक्टर अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता, नहीं वो सर्जन हो, वैसे ही काम है, इनको करवाना पड़ेगा, किसी भी योग्य पंडित को ढूंढे, मंदिर वगैरह में कहीं मिल जाए उनसे करवा ले, ऐसा है ना। अब हम आते हैं दूसरे चार्ट पर। अब देखिए, अब हम चैप्टर उठाते हैं प्रॉपर्टी का मैटर, संपत्ति। तो यहाँ पर ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख लीजिए, 30/7/1974, 12:35 इंदौर। इन्हों का इनका प्रश्न था कि ये स्वयं का मकान कब बना पाएंगे। तो अब हम दिमाग में लाएं स्वयं के मकान के लिए, तो सबसे पहले मकान का भाव कौन सा होता है? 4 है ना, तो यदि 4 भाव का उपस्वामी 4, 11, 12 का सूचक हो तो व्यक्ति अपना मकान बना सकता है। साथ में यदि 3, 6, 8 आ जाएंगे तो उसको किराए के मकान में रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर 4 भाव का उपस्वामी 3, 8, और 12 का ही कारक हो, सूचक हो, तो व्यक्ति स्वयं का मकान नहीं बना पाता। लेकिन ऐसे में बोलता कि बनवाना है तो क्या करें, तो भाई हम कहते हैं कि आप अपनी पत्नी को आगे रखिए, पत्नी के नाम से रजिस्ट्री कराएं, उसी को स्वामित्व बनाएं, क्योंकि स्वयं में तो योग है नहीं। वो सर उनमें भी ना हो तो? उसमें भी ना हो तो नहीं बनेगा ना, हर व्यक्ति का मकान का बनता है।
जीवन भर के सर आपने 12 क्यों लिए, 4, 11, 11 देखिए हाँ, और 12वां मकान में लगने वाला खर्च है, खर्च तो होगा ना, इसलिए तो अब एक तो ये हुआ। दूसरी बार क्या होता है कि कई बार मकान जो है दहेज में भी मिलता है, संपत्ति दहेज में मिलती है, तब 4, 8 और 11 भाव आ जाते हैं। 8वां भाव दहेज का, 12 हटा देंगे क्योंकि खर्चा नहीं हुआ, खर्च नहीं हुआ। हाँ, इस ढंग से हमें ध्यान रखना है। फिर दशा भुक्ति अंतर में मान लीजिए 4, 11, 12 एक्टिव है, ले लिया, लेकिन आगे भुक्ति में कहीं पर या अंतरा में कोई स्वाभाविक अशुभ ग्रह राहु केतु या शनि आ जाए और वो 6, 8, 12, 5, 8, 12 या 3, 8, 12 को सूचित करें, तो फिर उस मकान के लेने में समस्या खड़ी हो जाती है, मिल नहीं पाती। तो कब होता है भाग्य में, जब 4, 11, 12 दशा भुक्ति अंतर तीनों में आए, मकान के जो कारक ग्रह हैं भूमि संपत्ति के वो मंगल और शनि है, है ना। अच्छा, कई बार लोग फ्लैट खरीदते हैं, फ्लैट तो फ्लैट पहली मंजिल दूसरी मंजिल जितना ऊपर हो, है ना, हम बोलते हैं फ्लैट में तो ऊपर की मंजिलें रहती हैं, तो है ना, केतु जो रहता है वो ऊपर का हिस्सा बताता है, ऊपर की मंजिल को सूचित करता है, ये भी देखने में आया। ठीक, अब मकान ले लिया, फिर मकान बेचने के भाव, तो मकान बेचने के लिए मुख्य भाव देखा जाएगा 10वां, है ना, क्योंकि वो चतुर्थ के ठीक सामने पड़ता है, विरोधी है। अब 10 भाव का उपस्वामी का संबंध 3, 5, 6, 10 से हो तो जो है उन और उन्हीं संयुक्त दशा भुक्ति अंतर हो 3, 5, 6, 10 की, तो अपने अधिकार वाली संपत्ति बिकती है। तीसरा भाव या चौथे का हानि स्थान है, है ना, और पांचवा भाव क्या होगा, चतुर्थ से दूसरा है, है ना, वो उसका धन है। और छठा भाव क्या, सामने वाले का हानि स्थान हुआ। 12वां वो कुछ देगा तो हमें मिलेगा, इस प्रकार से। फिर चतुर्थ के लाभ भाव में देखा जाए तो तीसरा भाव भी आता है, इसलिए जो तीसरे भाव को लेंगे, है ना, तो ये सामने वाले के लिए बेचना है तो सामने वाले को मिल रहा है तो उसका लाभ हो जाएगा, हमारी हानि होगी। ले अब जब हम मकान बेच रहे हैं और स्वाभाविक शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो और वो यदि 3, 5, 10, 6 के सूचक हो तो संपत्ति अच्छे दाम पे बिकती है, लेकिन यदि स्वाभाविक अशुभ ग्रह आ जाए 3, 5, 6, 10 के साथ 8, 12 भी आ जाता है तो संपत्ति अपने ओरिजिनल भाव से कम भाव पर बिकती है। अगर भुक्ति कुछ समय की है तो हम बोल सकते हैं कि भाई अभी आप रुक जाओ कुछ महीने के लिए, लेकिन अगर भुक्ति स्वामी कुछ वर्षों का है और व्यक्ति को अभी बेचना है तो उसको फिर बाजार भाव से कम मूल्य पर बेचना पड़ेगी। ये हमने देखा, रेट टू रेट जाए प्रॉपर्टी तो रेट टू रेट में फायदा नहीं हुआ ना, इतने साल अपन ने खरीद के रखा, लेकिन ये बात है। तो चौथे भाव का उपस्वामी मुख्य होगा, यदि वो 3, 5, 8, 12 से संबंधित हो तो जातक स्वयं का मकान नहीं बना पाता है, 4, 11, 12 आएगा तो मकान बनेगा, साथ में छठा भाव जुड़ जाता है तो छठा भाव कर्ज का बताता है, कर्ज इंस्टॉलमेंट का कैसा। और चौथे भाव का उपस्वामी यदि 4, 8, 11 का सूचक निकले और इसके साथ ही 8वें भाव जो कि उत्तराधिकार का धन होता है वो भी 4, 6, 11 से जुड़ा होता है तो जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, है ना, ये हम देखते हैं। फिर 4 और 10 भाव के जो स्वामी हैं वो 3, 5 और 10 भाव से संबंधित हो और चौथा भाव का उपस्वामी या नक्षत्र स्वामी दीस भाव ग्रह बुध हो या गुरु की राशि में हो, बुद्ध की राशि में हो, व्यक्ति बहुत बार मकान बदलता रहता है और चौथे भाव का उपस्वामी केवल 6ठे भाव का सूचक निकले और शनि से भी संबंध हो तो व्यक्ति को किराएदार के रूप में ही रहना पड़ता है, ये भी देखने में आया है, है ना। और चौथे भाव का उपस्वामी यदि 7वां भाव से जुड़ जाए, है ना, और कारक मंगल शनि भी साथ में हो तो संपत्ति के मैटर में कोई प्रॉपर्टी मैटर पैतृक संपत्ति में हो तो कोर्ट केस होना होता है, ये भी देखने में आया। अब व्यक्ति का घर कहाँ हो सकता है स्वयं का मकान, तो इसमें यह देखना चाहिए कि मकान किसके नाम पे, रजिस्ट्री में प्रथम नाम किसका, उसकी पत्रिका में देखेंगे कि चौथे भाव को स्वामी कौन सा ग्रह है। मान लीजिए वह सूर्य है,
तो सूर्य दिखाई दे तो आप कहिए कि सरकारी कॉलोनी में मकान होगा। चंद्रमा दिखाई दे तो आसपास पानी जरूर होगा, नदी तालाब झील या कुआ या बाजार का क्षेत्र होगा। मंगल आ जाएगा तो इंडस्ट्रियल एरिया होगा, और बुध होगा तो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स के आसपास बाजार का इलाका, और गुरु होगा तो मकान के आसपास कोई ना कोई शिक्षा संबंधित कार्य होगा, कॉलेज हो सकता है, विद्यालय हो सकता है या मंदिर भी हो सकता है। और अगर शुक्र होगा चौथे भाव का उपस्वामी तो अच्छे पॉश इलाके में व्यक्ति का मकान होगा। लेकिन यदि शनि आ जाता है चौथे भाव का उपस्वामी तो एकांत स्थान में होगा, जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ शांति होगी, कोई गंदी बस्ती के आसपास हो सकता है, दूर स्थान पे हो सकता है। जबकि राहु होगा तो मस्जिद, राहु मुस्लिम ग्रह है तो मस्जिद के आसपास या चर्च के आसपास घर होगा। जबकि केतु होगा तो किसी धार्मिक संस्थान या मंदिर के आसपास होगा, ये देखने में आया है। अब चौथे भाव का उपस्वामी पृथ्वी तत्व की राशि में हो या चौथे भाव का उपस्वामी स्वयं शनि निकल जाए तो उसका मकान ग्राउंड फ्लोर पे होता है, लेकिन यदि राहु या केतु हो तो ऊपरी मंजिल पे होगा, कोने में होगा, है ना, ये भी देखा गया है ना। फिर मकान लेने अगर सर फ्लैट हो तो फ्लैट तो फ्लैट के लिए तो बोला, हाँ वो ऊपर नीचे होते हैं तो ऊपरी मंजिल पर ही होगा वो, है ना, तब आ जाएगा राहु। फिर हम कई बार बोलते हैं मकान से क्या किराएदारी मिलेगी हमें, कई लोग बना लेते हैं। और ये तो छठा भाव जो है चतुर्थ से तीसरा है तो उसमें वृद्धि करता है। तो छठे भाव का उपस्वामी यदि 2, 4, 11 का सूचक निकलेगा तो कोई समस्या नहीं होगी, उसका मकान आसानी से किराए पर जाएगा। लेकिन यदि 3, 8, 12 भी साथ में हो तो समस्याएं होंगी, ये भी देखा है ना। प्लॉट के लिए भी सेम रूल रहेंगे, प्लॉट के लिए भी सही रहेंगे, तब आप शनि को ले लीजिए, मंगल शनि साथ में आना चाहिए कहीं ना कहीं दशा मुक्ति अंतर में, भूमि के कारक ग्रह ये दो। फिर चौथे भाव का उपस्वामी यदि द्वि स्वभाव से संबंधित होता है तो संपत्ति दो नाम पर रखनी चाहिए, जैसे पति पत्नी ने अपने नाम पर रख ली। चौथे भाव का उपस्वामी यदि 4, 11, 12 के साथ 8 और 12 का भी सूचक निकले तो उसको मकान का बीमा अवश्य कराना चाहिए, नहीं तो मकान में शॉर्ट सर्किट होना, आग लगना, इस प्रकार की घटना हो सकती है। तो अब हम इस चार्ट में नोट करते हैं कि इन्होंने पूछा मकान कब बनेगा, तो चलिए मैं भी लिखता हूँ। चार भाव का उपस्वामी देखिए कौन है। चार भाव का उपस्वामी है राहु, चार भाव का उपस्वामी आ गया राहु, ठीक है। तो यदि इनका मकान होगा चर्च के आसपास होगा, है ना। अच्छा, अब हम चार भाव के सूचक राहु के सूचक लेते हैं। राहु किन किन भावों का सूचक बना है ये देखना हमें। तो यहां पर देखिए राहु 9, फिर राहु 2, है ना, और राहु फिर 9 का 12। तो राहु का संबंध 9, 2, 12 से है, तो ये अपना मकान कहाँ से बनवा पाएंगे, मुश्किल है ना ये। क्यों सर, 3 तो नहीं है, 3 भी नहीं है भाई, हमें क्या चाहिए 4, 11, 12। 4, 11, 12 का सूचक है क्या, 1 का भी होता तो हम आगे बढ़ जाते, नहीं है। तो ये इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, 12 अकेला क्या कर लेगा सर, 12 तो मकान में लगने वाला खर्च है ना सर, संपत्ति की खरीदने में लगने वाला खर्च, इसलिए 4, 11, 12 लिया जाता है। कोई एक भी सूचक हो तो 4, 11, 12, हाँ 4, 11, 12 में से एकमात्र 12 है, चलिए ठीक है 12 ले लिया हम, ओके। तो अब हम क्या लेंगे 4, 11, 12 के सूचक। हालांकि ये इनको पैतृक संपत्ति के रूप मकान मिला था, लेकिन वो हाथ नहीं आया, मजा नहीं आया लोगों के घर वालों के साथ रहने में, तो ये वहां से बाहर निकल गए और लंबे समय से किराए के मकान में ही रह रहे हैं। तो अब आ जाते हैं अपन 4, 11, 12 के सूचक लेते हैं। चलिए सूर्य और शनि, तो ये आ गया सूर्य शनि। 11 में नोट करें तो मात्र सूर्य,
और 12 में ले तो राहु बुध, राहु बुध या राहु बुध, तो हमारे पास चार ग्रह सूचक के रूप में आए। ठीक, दशा चल रही है मंगल की और मंगल यहाँ आरपी में भी मौजूद नहीं है और सूचक भी नहीं है, ये बात है ना, कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा है। तो अब इनको देख लेते हैं कि दशा कब तक है मंगल की, कभी उसके बाद बन जाए बात। मंगल की दशा इनको 2024 तक है, उसके बाद कौन आएगा? राहु। तो हम राहु सूचक है सर। हाँ, तो 10 जनवरी 2024 से, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, क्योंकि मकान लेने में देरी होना स्वाभाविक है, ये राहु की दशा। हाँ, वो देख रहे थे नाड़ी की, जब ये चार्ट खुला था सिग्निफिकेटस, तो उसमें मंगल सूचक हो रहा था क्योंकि मंगल में चार आ रहा। हाँ हाँ, लेकिन हमें तो भी केपी से देखना है ना। तो राहु आ गया, ठीक है, राहु में राहु का अंतर चल ही रहा है, कब तक? 2026 तक है। तो राहु की दशा में ये मकान खरीदेंगे, तो ये 2 साल का ही अंतर है। अगर हम आगे लेते हैं तो गुरु आता है, लेकिन गुरु हमारा सूचक नहीं है, और आगे चले जाएंगे तो फिर शनि आ जाएगा, शनि हमारा सूचक है ना। तो राहु में शनि और संपत्ति कारक भी। अब शनि धीमी गति का ग्रह है, तो आप राहु में शनि में शनि, अब आप यहाँ पर आरपी में प्रथम दर्जे का कार्य चंद्रमा, चंद्रमा हमारा नहीं है, बुध बुध है, तो बुध कब आ रहा है ये देखिए, 30 जुलाई 30 जुलाई 2029 है ना, यानी अभी 8 साल। राहु में राहु क्यों नहीं लिया? राहु को तो हम उसके रूप में ले ही चुके थे एक बार, तो दोबारा नहीं ले सकते हैं सर? वो देखना पड़े हमें कि कितने साल का अंतर चल रहा है, 2 साल का, और संपत्ति लेने में समय लगता है, इसलिए मैंने अंदाज से लिया है कि इसको हम आगे हटा दें। वैसे भी राहु या आरपी में भी मुझे नहीं दिख रहा था, नहीं जस्ट ऐसे ही पूछ रहे हैं, जैसे हम राहु में राहु नहीं ले सकते हैं। राहु में राहु की भुक्ति तो हमने ले ली, मान लीजिए इतना है ना। अब अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें आपको प्रथम दर्जे का आपका चंद्रमा नहीं है, तो बुध आता है, तो बुध को मैं यहाँ लेता हूँ, तो 2025 में आ गया। 25 तो तब का भी गोचर नोट कर लेते हैं, चलिए 21/3/2025 है ना, 25 से ये 8 अगस्त तक बना हुआ है। तो अब इसके गोचर को चेक करें। तो 25 का गोचर मार्च के महीने का, 21 दिन मार्च का महीना और दिन आ गया है 21 तारीख। ओके, ये अब हम देखें कि हमारे सूचकों में धीमी गति का है राहु और फिर है शनि। तो शनि गुरु के नक्षत्र में, गुरु सूचक नहीं है, राहु भी गुरु के नक्षत्र में सूचक नहीं है, तो धीमी गति के ग्रह को इधर तो आना जरूरी है, आया ही नहीं, 4 में से 3 तो चाहिए ना हमें, तो फिर अब चेंज भी नहीं होगा जल्दी। हाँ, इसलिए हम बात आगे बढ़ाएं इसको। तो ये आ गया राहु, देखिए यहाँ पर मार्च में 14 पीछे चले गए क्या, 21 लेना आगे, पीछे गए सर। ओके, ये शनि अपने नक्षत्र में आ गया मई में, राहु पर सर गुरु में ही। हाँ, आप देखिए आप बाकी 3 को सेट करें, अब बचा सूर्य और बुध है ना, तो सूर्य मंगल के नक्षत्र में, मंगल सूचक नहीं है, उसको आगे बढ़ाएं। सूर्य अपने नक्षत्र में आ गया, शनि अपने ही नक्षत्र में आ गया, अब बचा बुध, बुध केतु के नक्षत्र में है, तो इसको भी आगे बढ़ाए। शुक्र आ गया, ये सूर्य आ गया। हाँ, तो ये बात बनती है मई के महीने में, मई के अंत में 2025 में, और तब मंगल की दृष्टि देखिए चतुर्थ भाव पर भी आ रही है यहाँ पर, ये ठीक। तो ये गोचर का समय हम इनको बता सकते हैं।
अभी तो स्वयं के नाम पे जैसे अब प्रॉब्लम वही है ना कि इनके भाग्य में राहु वो नहीं दिख रहा था, तब क्या करें। तो हम तो इनको यही सलाह देंगे कि भी पत्नी को आगे रखिए, पत्नी की पत्रिका भी चेक करें, पत्नी का ना हो तो बेटे की पत्रिका देखें, संतान की पत्रिका देखें, उसके नाम पर लें, उनकी पत्रिका में शुभ योग चल रहा हो, है ना, तब बात बनेगी। अब इसमें वापस आते हैं, राहु में राहु, देखिए राहु स्वाभाविक रूप से अशुभ ग्रह माना जाता है, तो इनको समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। अब देखिए मंगल, अभी हम राहु की बात कर रहे थे, ये देखिए मंगल राहु को ले आते हैं हम, ये राहु के पर्याय में, राहु अगर सूचक के रूप में देखें तो 2, 7, 10, 9, 12, और हमारे पास केपी से क्या आए थे 9, 2, 12। अब यूं आप कहीं भी देखिए 4, 11, 12 का स्पष्ट संयोग ही नहीं मिल रहा है, 3, 5, 6 ज्यादा है, 8 भी ज्यादा है, दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा सर, बस 4 ना, एकमात्र 4 ही दे रहा हो, ऐसा नहीं है सर, प्रॉपर्टी का कारण, हाँ लेकिन उसको कॉम्बिनेशन पूरा चाहिए ना, कहीं भी नहीं मिलता। हाँ, तो ये काफी समय से, ये मेरे से लगभग 1-2 साल में बस यही बात पूछते रहते हैं, सर मकान कब होगा, इतने साल में नहीं, मैं इनको पहले बोला आपके भाग्य में नहीं है, तब पत्नी के नाम से लें तो ज्यादा उचित होगा। अब हम आ जाते हैं दूसरा, सर अगर सेकंड प्रॉपर्टी या थर्ड प्रॉपर्टी लेनी हो तो सेम सूचक देखेंगे 4? हाँ सूचक वही रहेंगे, बिल्कुल इसके सूचक वही रहते हैं। अब इस व्यक्ति की पत्रिका आप देखें, ये लैंडलॉर्ड है, इनके पास काफी जमीन है, ये डिटेल देखें, 15/7/1979 7:25 अजमेर का बर्थ है, ठीक है, चतुर्थ भाव का उपस्वामी कौन है, केतु, है ना, तो धार्मिक स्थान के आसपास, तो इन्होंने तो घर के आसपास मंदिर खुद ही बनवा रखा, बड़ा मंदिर बनवा दिया पब्लिक के लिए। 4 भाव का कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी इनकी ओन अर्न की हुई है या पैतृक है? पैतृक होगा तो 8वां भाव जुड़ेगा ना, अच्छा हाँ संपत्ति प्राप्ति के समय। अब इनका केतु निकला, आप केतु को आप चेक करें, केतु सूचक के रूप में क्या बोलता है, केतु, ये केतु 2 का है, 8 का है, 2 और 8 का ही है, देखिए केतु और किसी भी भाव का नहीं है, तो सर फिर पैतृक होंगे उसके बावजूद, हाँ पैतृक संपत्ति तो है, तो पैतृक भी मिली और बाद में इन्होंने खुद अर्जित करी, किसे अर्जित करी, ये क्या है भाईगिरी कहते ना अपन, वो है। हाँ अब हम इनकी पत्रिका में केतु में देखिए 4, 11, 12, शुक्र में 4, 11, 12, सूर्य में 4, 11, 12, राहु में 4, 11, 12, गुरु के में 4, 11, 12 और बुध में 4, 11, 12, अधिकांश ग्रहों का ये संयोग था इनको, तो जब भी दशा भुक्ति अंतर में ये ग्रह आते गए इनको संपत्ति मिलती चली गई, तो दबंगई से भी इन्होंने संपत्ति हासिल की है, लोगों की संपत्ति ले लेना कम भाव में, इस प्रकार से इन्होंने बहुत कुछ किया, संपत्ति इनके पास कमी नहीं, आज की तारीख में इनके पास होटलें हैं, कई कई होटल हैं, माउंट आबू में भी इनका होटल है, उदयपुर में इनके होटल हैं, और कई मकान संपत्ति, और ये काम भी करते हैं प्रॉपर्टी ब्रोकर का भी और होटलिंग का भी, तो कामकाज के लिए 4, 11, 12 जुड़ गया, मतलब मकान खरीदना भी बेचना भी ये इनका चलता रहा, और आज भी ये कायम है, यही चल रहा है, दशा चल रही शुक्र की, शुक्र बहुत अच्छा है, आप शुक्र के यहाँ पर ये सूचक देखें आप, शुक्र को सूचक के रूप में देखें 2, 11, 2, 11 और 4 और फिर 11, 2, 4, 11 से जुड़ा हुआ है शुक्र की दशा, तो उन्हें संपत्ति वगैरह दे नहीं है, आज की तारीख में भी राहु चल रहा है
है ना, राहु इनको अभी बना हुआ मार्च तक, तो राहु को अगर आप देखेंगे तो राहु 11 का 2 का 2 11 धन भाव हो गया। उसके बाद वो राहु को देखिए फिर आ गया 4, फिर आ गया 11, तो इनको संपत्ति की तो कोई समस्या ही नहीं है, ढेरों मकान है। सर इसमें 12 नहीं जुड़ा तो संपत्ति में 12 खर्चा भी नहीं हुआ होगा फिर। बात सुनिए ना, वो दशा भुक्ति अंतर तीनों में आ गया ना फिर, तो कोई भी ग्रह जो 12 बताएगा, यानी कि कौन है देखिए, सूर्य बुध गुरु, ये तीन ग्रह दशा भुक्ति अंतर में तो सामने कहीं ना कहीं आएंगे, तो ये खरीदते भी जाएंगे। फिर 3, 5, 6, 10, 11 अपने मैंने बताया आपको भी मकान बेचने के लिए है ना, 3, 5, 6, 10, तो 3, 5, 6, 10 भी आपको बहुत मिलेंगे इनकी पत्रिका में सूचक के रूप में। कैसे ये देख लेते हैं इसमें, है ना, 5, 10 का संयोग है, 3 भी संयोग में है। शुक्र में आप देखिए 5, 10 का संयोग भी मिल रहा है, और राहु में जाए तो 5, 10 संयोग है। तब सूर्य के पास अब यहाँ पर तीसरा भाव गुरु के पास आ गया, तो दशा भुक्ति अंतर में जब जब ये तीसरा भाव भी आएगा, और आपके जो कॉम्बिनेशन है वो सूचकों की 3, 5, 6, 10, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा दशा भुक्ति अंतर तीनों में, तब जाकर वो संपत्ति बेचते भी जाएंगे खरीदते। अब इनका तो काम ही यही है, तो जाहिर है कि ये भाव बार बार एक्टिव होते रहेंगे। हाँ ये है कि देश काल परिस्थिति आ गई तो मामला थोड़े समय के लिए अटक गया, ये भी होता है। अब हम दूसरा चार्ट देखते हैं, ये व्यक्ति का देखें, इनकी डिटेल है 23/4/1968 2:47 आसिफाबाद। ये चार्ट अभी अपने केपी नाड़ी ग्रुप में डाला है, आप सब लोग लिखिए उसमें, आप लोग लिखते नहीं है तो आप एक तरह से टेस्ट नहीं देते, अपने आप को चेक नहीं करते, चेक करिए गलत हो गया है तो कौन से वहां नंबर कट जाएंगे या कोई आपको उठा के कुछ बोल देगा, क्योंकि कोई भी संपूर्ण थोड़ा ही है, इसलिए आपको लिखना चाहिए। अब देखिए हाँ, तो हम भी तो स्टूडेंट है ना सर, मैं भी तो आज तक सीख रहा हूँ, 30 साल हो गए, और किसी भी सब्जेक्ट के ज्ञान का अंत कहीं हो तो बताइए मुझे, एक भी सब्जेक्ट बताइए जिसके ज्ञान का अंत हो चुका हो, मिलेगा ही नहीं आपको। उस ग्रुप में एक्चुअली काफी ज्ञानी लोग दिखते हैं इसलिए। नहीं तो आपको कोई बोलता तो कुछ भी नहीं है ना सर, बोलता कहाँ है कोई, आपको रोकता कहाँ है, इसलिए आप भले 4 लाइन लिखे पर लिखे जरूर, उससे कॉन्फिडेंस लेवल आता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो वही बात हो जाएगी कि जब तक हम तैरना नहीं सीख ले पानी में नहीं जाएंगे तो वो कैसे संभव। इस चार्ट को स्किप कर दीजिए फिर दूसरा लीजिए। नहीं तो इसमें प्रॉपर्टी का देखना ना, तो आप लिखे डाला। हाँ मैं प्रश्न दूसरा डाला उसमें, इसकी वर्तमान स्थिति कैसी। आप देखिए चौथे भाव का उपस्वामी कौन है, बुध है, तो कमर्शियल संपत्ति हो गई इनकी, है ना, भी हो बाजार में होगी बिल्कुल, बुध बुध द्विस्वभाव है तो एक से अधिक होगी। अब बुध के हम सूचक देखते हैं, बुध के सूचक ग्रुप में आप देखिए, लोगों को लिखते हैं उनको लाइक तो कीजिए, अपना क्या बिगड़ता है, लाइक का बटन दबाने कितनी देर लगती है, कोई पूछताछ थोड़ी करता है। हाँ तो बुध के सूचक, बुध है 8 का 2 का 5 का 8 का और कहीं का भी नहीं, ठीक। तो पैतृक संपत्ति सर 8 आ गया तो पैतृक संपत्ति के रूप में मिलेगी, स्वयं बनाना मुश्किल। दशा काय की चल रही है, बुध की चल रही है। हाँ अब बुध दशा स्वामी के रूप में क्या 2, 6, 10, 11 अच्छे धन भावों का सूचक निकला क्या, नहीं निकला, वो तो 2 और 8 का आ गया, है ना। तो हम केबी में बोलते हैं कि 8 2 से जुड़ता है तो आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती है, लेकिन 2 8 से जुड़ता है तो धन की हानि होती है। मतलब द्वितीय भाव का उपस्वामी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में गोचर में हो जो 8वें भाव का उपस्वामी हो तो धन की हानि होगी, जबकि 8वें भाव का उपस्वामी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में गोचर में हो जो द्वितीय भाव का उपस्वामी हो तो आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ और गिफ्ट की प्राप्ति होती है।
है ना, दो का संबंध नौ से हो जाए तो और भी बुरा होगा, क्योंकि द्वितीय भाव से नवम भाव आठवां हो जाता है तो मानसिक परेशानी दुख देगा धन के मामले में। तो इनके दशा भुक्ति अंतर में ऐसे कोई ग्रह अशुभ नहीं चल रहा, तो दशा नहीं मना कर दिया, तब अपन आ जाए भुक्ति पे। गुरु, गुरु के सूचक देखिए, गुरु आठ का है तो लग्न के लिए आठवां भाव नुकसानदायक ही, मानसिक परेशानी। फिर गुरु छह का भी है ना, तो ये लग्न को बीमारी प्रस्तुत कर देगा। गुरु यहाँ पर दो का भी आया और कहीं गुरु किसका ग्यारह का भी है, तो दो छह ग्यारह तो आ गया, लेकिन है ना अब दो छह ग्यारह आया है तो धन मिलेगा, परंतु ऊपर कौन है, दशा स्वामी, दशा स्वामी की बहुत अच्छी मंजूरी नहीं है, तो धन तो आएगा लेकिन एक लिमिटेड समय में, और कब तक की बात है तो आप देखिए 28/5 तक। लेकिन आज दशा व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो धन ही नहीं है, तो गोचर को पकड़िए, गोचर ने ग्रीन सिग्नल ने मना तो नहीं किया है, तो गुरु अभी कहाँ चल रहे हैं, गुरु चल रहे हैं राहु के नक्षत्र में, तो राहु के सूचक को देखिए वो क्या बोलता है, राहु है दो का, दो और फिर पांच, दो पांच आठ, पांच आठ धन हानि हो गई, बारह जुड़ जाएगा तो बड़ी धन हानि, दो पांच आठ का है इसकी समस्या। अब एक बार इसमें चेक कर लीजिए, आप नाड़ी टेबल भी देख लीजिए, दशा चल रही बुध की, बुध में देखिए पांच आठ बारह का संयोग ग्रह और नक्षत्र में, मैंने नोट्स में लिखा है छह से बुरा आठ, आठ से बुरा बारह, तो ग्रह में आठ, नक्षत्र में आठ बारह और यहाँ छह बारह, ये स्थिति व्यक्ति के कामकाज को बुरी तरह प्रभावित करेगी। गुरु में चलिए ग्रह के रूप में छह, लेकिन नक्षत्र में आठ बारह, पांच आठ बारह भी है, ये स्थिति भी ठीक नहीं है। हाँ सर, इसमें हम देखें तो बुध में हमें दो चार ग्यारह भी मिल रहा है, बारह भी मिल रहा है, बिल्कुल तो घर बन सकता है, लेकिन उसमें देखिए ना पांच आठ बारह भी है, छह आठ बारह भी है, नुकसानदायक भी तो भाव आ गए है ना, पांच आठ बारह भाव हानि के भाव होते हैं। तो आज की तारीख में इस व्यक्ति के सारी धन संपत्ति जितनी भी थी सब बिक गया, ये हालत है, धंधा वगैरह सब चौपट हो गया। तो आप ग्रुप में वहां ये लिखिए कि इनका जो है बिजनेस वगैरह अभी अच्छा स्थिति में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बुध पांच आठ बारह दे रहा है लेकिन साथ में ग्यारह भाव उपस्वामी के रूप में आया, इसलिए जैसे तैसे इनका काम चल रहा है, और पांच और नौ भाव छह और दस के क्या होते हैं, विरोधी, छठा भाव परिश्रम का धन है वो भी नहीं मिल रहा है, तो ये पांच नौ का संबंध, पांच आठ बारह का संबंध। फिर इधर देखिए केतु में पांच आठ बारह आ रहा है, फिर सूर्य में देखिए नक्षत्र में और शनि के भावों को मिला लें तो पांच आठ बारह बनता है, इसी प्रकार से राहु में भी है, लेकिन देखिए राहु ग्रह के रूप में छह बारह और नक्षत्र में आठ और फिर छह बारह, ये स्थिति ठीक नहीं, परंतु ग्यारहवा भाव भी साथ में है तो जैसे तैसे काम चल रहा है, तो ये आप उसमें लिखिए जरूर, और देखना बाकी लोग भी यही देखकर लिखेंगे कि क्या चल रहा है, और ऐसी पत्रिका कभी आ जाए तो पहले आप ऐसा सूचक देखिए, सूचक से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब अगली भुक्ति इनको आने वाली 28 मई से शनि की, शनि किन भावों का सूचक है, देखिए यहाँ तो आपको पांच आठ बारह मिल ही गया है ना, अब शनि को इधर भी देख लीजिए कि शनि किन भावों का सूचक है, शनि दो, दो के बाद शनि पांच, आठ और ये रहा बारह, है कि नहीं है, सेम चीज आई ना, ये तो एक लग्न भी जुड़ गई तो बीमार हो सकती है, नहीं वो छह आठ बारह चाहिए फिर, छह आठ बारह है ना, तो शनि की दशा, शनि की भुक्ति में तो इनका और भी बुरा हाल होने वाला है, है ना, शनि की भुक्ति में 28 मई से ये फरवरी 2025 तक इनका और भी बुरा हाल हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहें, इसको क्या बताएं, तो हम कहेंगे भैया किसी को धन मत देना, उधार बचा थोड़ा बहुत भी हो तो मत देना, धन की हानि ही होगी, है ना, और किसी प्रकार के बिजनेस में हाथ ना डाले, इससे अच्छा है सर्विस
बन जाए। लेकिन अगर वो ये कहता है कि साहब मैं तो मेरे खानदान में कोई ने सर्विस नहीं करी, मैंने आज तक सर्विस नहीं करी और 1968 का बर्थ है, सर्विस कहाँ मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे कि अपने ही जो भी काम काज है उसमें अपने आप को सर्विस पर्सन बना ले, सैलरी पर्सन, कि भाई हर महीने में गल्ले में से इतने रुपए लूंगा, फिर चाहे पत्नी को दे दे या बेटे को संभालने को दे दे, कि भैया वो मुझे इतना निकाल के दे दिया करना हर महीना। तो ये पांच आठ बार छह भाव एक्टिव है इनका, तो सर सर्विस ही हो सकती, सात भाव तो बहुत कम है। हाँ, पर उन्होंने बिजनेस को चुना ना, बिजनेस को चुना, तो दसवें भाव का संबंध देखिए ना, दसवें भाव का उपस्वामी कौन है, बुध है ना, बुध का संबंध सात से नहीं है, तो क्या सात का है, क्या सात का शनि है, शनि को देखिए तो शनि